खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में वापस लाने में बीजेपी के हर परिवार बीजेपी परिवार अभियान के जवाब में कांग्रेस ने भी घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस राजस्थान के 1.5 करोड़ परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाएगी। घर घर कांग्रेस ऐप के जरिए राजस्थान के सभी मतदाताओं की पूरी डिटेल जुटाई जाएगी। इसी ऐप के जरिए 60,000 बूथ कार्यकर्ता चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस को जीत तो मिली, लेकिन सीटों का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं हो पाया जिसकी कांग्रेस को उम्मीद थी। इसी वजह से कांग्रेस का कमजोर संगठन और बूथ मैनेजमेंट में खामी रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को दूर करने की दिशा में बड़ा और हाईटेक प्रयास करने जा रही है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस घर घर कांग्रेस अभियान के जरिए प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए बकायदा घर घर कांग्रेस नाम से एक ऐप तैयार किया गया है, यानी इस बार कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए पर्ची सिस्टम के साथ साथ आधुनिक तकनीक का सहारा लेगी। घर घर कांग्रेस ऐप के जरिए कांग्रेस राजस्थान में 1.5 करोड़ परिवारों से हर बूथ के वोटर की डिटेल हासिल करेगी। दरअसल कांग्रेस राजस्थान के शक्ति प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण शिविर चला रही है। इसमें राजस्थान की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों से 60,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी प्रत्येक बूथ से एक कार्यकर्ता तैयार किया जाएगा। 15 से 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान कांग्रेस के पास राजस्थान के 51,000 बूथों पर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।